हेलो, मैं हूं शौर्य ठाकुर। मैं और वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल में T3 टैग टीम टेक्निक्स। एंड आज का हमारा टॉपिक है वेट गेनर सप्लीमेंट। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेट गेनर सप्लीमेंट क्या करता है, इसे कॉम्पोजिशन क्या है और इससे फ़ायदा क्या होता है। वेल, वेट गेनर जो होता है वो बेसिकली कैलोरी एक्सेस स्टेट में लाने के लिए लिया जाता है। तो अगर आप वेट गेनर लेते हैं और डाइट नहीं लेते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि आपका वेट इंक्रीज़ नहीं होने वाला है। अगर आप वर्कआउट ठीक नहीं करते हैं, प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, तो अगेन फिर मान लीजिए कि वेट गेनर आपका काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वेट गेनर में 90% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपको कैलोरी एक्सेस स्टेट में डाल देते हैं, जिससे आपका वेट गेन होने लगता है। और अगर प्रोटीन रिच डाइट आप नहीं ले रहे हैं तो आपका फैट भी इंक्रीज इससे हो सकता है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि वेट गेनर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं मना करूँगा कि आपको वेट गेनर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपके फैट इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वेट गेनर मैं किसी पर्पज़ से ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कैलोरी एक्सेस स्टेट में जाने के लिए ले रहा हूँ, तो डेफिनेट आपको वेट गेनर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बॉडी का साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो मेरी एक अच्छी डाइट चल रही है, लेकिन मैं इतने कार्बोहाइड्रेट नहीं खा पा रहा, 4000 कैलोरीज जाना है या 5000 कैलोरीज जाना है, मैं इतना खाना नहीं खा पा रहा, मेरा डाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा, तब ये वेट गेनर मुझे हेल्प करेगा गेन करने के लिए। मैंने प्रोटीन तो खा लिया डाइट से, लेकिन मैंने अपनी कैलोरीज जो है, जो मुझे कैलोरी एक्सेस स्टेट पर रखेगी, वो मैंने वेट गेनर से खा लिया। सो इट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो वेट गेनर अगर आप एज अ बिगिनर लेते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपके मसल्स इंक्रीज होंगी। आपका वेट इंक्रीज हो सकता है, आप कपड़ों में अच्छे देखेंगे, लेकिन मसल्स नहीं बनेंगी। उसके लिए आपको डाइट और अच्छे से एक्सरसाइज करना ही होगा। सो वेट गेनर का सोल पर्पस क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको कैलोरी एक्सेस स्टेट में लेके आना है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो इतना इफेक्ट मसल्स में दिखाएगा नहीं। एंड मोर ओवर आपको 200 ग्राम्स एवरेज होता है इसका, वो पाउडर आपको लेना होता है। इसमें जो कार्ब्स होते हैं अलग अलग तरीके से, लाइक सुक्रोज है, देन ग्लूकोज है, देन डेक्सट्रोज है, देन माल्टोडेक्सट्रोज, अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो वो आपको कैलोरी एक्सेस स्टेट में ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। मोर ओवर इंसुलिन सिक्रीट होता है इससे, तो इंसुलिन का मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इंसुलिन पहले ग्लाइकोजन रिकवर करता है, फिर मसल्स को रिकवर करता है, और उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर फैट इंक्रीज़ कर देता है। सो वेट गेनर सिर्फ और सिर्फ यूज़ करिए अपना साइज़ गेन करने के लिए, जब आप खाना ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको कैलोरी एक्सेस स्टेट में जाने के लिए वेट गेनर हेल्प करेगा। एज अ बिगिनर मैं कहूँगा आप डाइट अच्छा से खाइए और वेट गेनर का इस्तेमाल कम करिए, क्योंकि इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उससे फिर बाद में आपका वेट लॉस होना मुश्किल हो जाएगा, वाटर रिटेन हो जाएगा। और आजकल जो वेट गेनर्स हैं उनके अंदर बहुत तरीके के स्टीरॉयड मिक्स होके आते हैं, कई दवाइयाँ मिक्स होके आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा डेक्सोना, उसमें मिक्स होता है, उसमें डानाबॉल मिक्स होता है, उसमें प्लेक्टिन एक दवाई होती है मिक्स होती है। तो ये जब दवाइयाँ मिक्स हम करते हैं उसके बाद हम देते हैं, वो लिवर पर इफेक्ट डाल सकती है, जो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। तो आपका वेट गेन भी हो जाएगा इन चीज़ों से, जो ऐसे स्टीरॉयड मिला के गेनर दे रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा लॉन्ग रन में, और आपका लिवर और किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं। सो ध्यान रखिए, बिकॉज बॉडी इज़ योर टेम्पल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड अब जाने का समय है। थैंक यू सो मच।